हाय फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आ जाए तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड देखोगे। तो यहाँ देखोगे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द ट्वेल्थ टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टू टर्म आर, ये दे दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म मीन्स क्या है कि अब ये हो गया फर्स्ट टर्म 3 एंड देन ये हो गया सेकेंड टर्म, है ना। तो अगर हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस दैट इज़ डी, है ना। ये हो गया 4 माइनस एंड देन माइनस ऑफ 3, सो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3, यानी हो गया आपका 7। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 7, और फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, माइनस 3 है, है ना। तो अब यहाँ से पूछ रहा है आपका ट्वेल्थ टर्म क्या होगा, यानी 2 12, ये क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 3 एंड देन एन, तो एन कितना है, 12 है ना। तो 12 माइनस 1 करेंगे तो ये हो गया आपका 11 एंड देन इंटू 7, सो ये कितना होगा, माइनस 3 प्लस 11, 7 जा 77, 77 से माइनस 3 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 74। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका 74। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 7, कॉमन डिफरेंस दे दिया हुआ एपी का 7 है, देन A25 माइनस A21 इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है देखोगे, इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक के माध्यम से करें तो इसका आंसर होगा विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। ये आपको फाइंड करना है A25 माइनस A21, तो इसका होगा आपका, अब ये 25 माइनस 21 है ना, ये तो हमें करना है 25 माइनस 21 एंड देन इंटू कर दोगे डी। ठीक है, क्लियर। तो अब ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 21 करोगे तो ये 4 हो गया, और कॉमन डिफरेंस आपका गिवन है 7, सो 7 4 जा 28। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 28। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, इफ A1, A2, A3 अप टू AN डॉट 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 इज एन AP, ये एक सीरीज दे दिया हुआ है, जिस किसमें है, AP में है, सच देट A20 माइनस A12 इज इक्वल्स टू माइनस 32 दिया हुआ है। ठीक है, देन आपसे पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से करेंगे, कैसे करेंगे देखोगे, यहाँ दिया हुआ है ना, ये गिवेन है, सो A20 माइनस A12 इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है माइनस 32। अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे, कि कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, 20 माइनस 12 एंड देन इन टू डी, बस यही करना आपको, और यहाँ पे दे दिया हुआ माइनस 32। ठीक है, तो 20 से 12 गया तो ये कितना हो जाएगा, 8D इज इक्वल्स टू माइनस 32, सो डी इज इक्वल्स टू 8 से इसको डिवाइड करोगे, यानी कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, यानी माइनस 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कॉमन डिफरेंस माइनस 4, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n प्लस 12, यानी TN का वैल्यू दे दिया हुआ है आपका nth टर्म का 7n प्लस 12। ठीक है, देन आपसे पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग विद इन सेकेंड फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करोगे तो देखोगे, कॉमन डिफरेंस अगर एक ट्रिक अगर दिखाएं आपको तो याद रखोगे, कॉमन डिफरेंस होता है AN माइनस AN माइनस 1, है ना, यही होता है ना कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी N माइनस AN माइनस 1 टर्म, तो ये हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो देखोगे AN यानी TN टर्म हमारा दे दिया हुआ है कितना, nth टर्म दे दिया हुआ है 7N प्लस 12, तो ये तो आपका गिवन है 7N प्लस 12 एंड देन माइनस, अब ये हो गया आपका N माइनस 1, यानी N के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, N माइनस 1 इस तरह से। ठीक है, एंड देन प्लस ये हो गया आपका 12, अब इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, ये हो गया आपका 7N प्लस 12 एंड देन माइनस, ब्रैकेट का वाला काम पहले कर लेते हैं, ये हो गया सब 7N माइनस 7 प्लस 12, ये हो जाएगा फिर 7N प्लस 12, और ये हो गया आपको, अब देखोगे 7N है और तो N है नहीं, तो माइनस 7N होगा, उसके बाद यहाँ से देखोगे अंदर अगर ये करोगे तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 12 से माइनस 7 करोगे यानी 5, और यहाँ एक माइनस है सो माइनस 5 होगा, है ना। सो अब ये हो जाएगा 7N कैंसल, 12 से माइनस 5 करोगे तो कितना होगा 7, यानी जो कॉमन डिफरेंस होगा कितना होगा, प्लस 7, जो कि ऑप्शन नंबर है
सी करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, ऐसे क्वेश्चंस जो अभी असम गवर्नमेंट के जितने भी कॉमन एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।